नमस्कार दोस्तों, PCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यह वीडियो जो है वो किसी भी परीक्षा में, जिस परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग होती है, तो उस निगेटिव मार्किंग से बचा कैसे जाए और प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन कैसे लिया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। इसको आप पूरा वीडियो देखने के बाद खुद एनालाइज करिए, खुद उस चीज़ की एनालिसिस करिए कि क्या चीजें यही बिगड़ी थी जिसकी वजह से 2018, ध्यान रखिएगा, 2018 की जो प्रारंभिक परीक्षा थी, ठीक है, पीटी का एग्जाम था, उसमें आपका नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको समझना है, बूझना है, और किसी भी एग्जाम में जो भी आप देने जा रहे हैं एग्जाम, वो आपका टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, या जिस एग्जाम में भी नकारात्मक चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग रखी जाती है उस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए बहुत बेहतर टेक्निक है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस सुनने के बाद आप लोग खुद इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये किस तरीके की प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगता है, आपको तरीका बेकार लगता है, तो आप लोग डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो बात यही है दोस्तों कि किसी भी परीक्षा, जैसे भी परीक्षा जो होती है दोस्तों, दो आधार पर होती है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि पीटी का एग्ज़ाम, बहुत से एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि पीटी का केवल एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतर रणनीति है। आप इस तरीके से चलेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी जिस परीक्षा में नकारात्मक मार्किंग की जाती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की जाती है, तो उसके लिए बहुत बेहतर तरीका है। और प्रारंभिक हो चाहे मुख्य हो, सभी में इस चीज़ को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है पढ़ाई करने का कि आप पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस किसी का ख़त्म होता है, किसी का नहीं ख़त्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और 2018 का जो पीटी है, जो लोग 2018 के पीटी में पास नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ, यही कमी थी या कोई और कमी थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, कुछ कमियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति सिलेक्शन, मतलब पढ़ाई ही उतनी मात्रा में नहीं हो पाती है, तो वो बात अलग है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि किसी भी परीक्षा की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, सारी चीज़ें ज्वाइन करते हैं, और आप टेस्ट देते भी हैं, लेकिन आप किस तरीके से कार्यों को करते हैं, यह डिपेंड करता है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्या यह आपके लिए कारगर होगा, जो लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कारणों की वजह से, एक निगेटिव मार्किंग की वजह से 2018 का जो PCS हुआ है या अन्य कोई एग्ज़ाम जो आप देते हैं उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, क्या ये दिक्कतें थी आपके साथ में, तो उनको आपको बताना है। जिन लोगों के साथ में, जिन लोगों का सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं एक बेहतरीन, सबसे बेस्ट प्रक्रिया बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। उन चीज़ों को आप लोगों को देखना है। ठीक है, देखिए, अब हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की ही बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा किसी भी एग्ज़ाम की हो, वो उसका आधार क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं ना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको चीज़ें देखनी होती हैं। अब जो लोग 2019 का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, और क्या बातें हैं कि जैसे आप, एक चीज़ होती है कि अटेम्प्ट करने का तरीका, आप अटेम्प्ट किस तरीके से करते हैं, डिपेंड यहाँ पर करता है दोस्तों। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, किसी एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आते होंगे, किसी में 150 आते हैं, किसी में 200 प्रश्न आते हैं, तो प्रश्नों की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन तरीका ये सब पे लागू होगा। जो लोग 2019 का अपर PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे मान लीजिए, हम बात एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर चलेंगे UPPCS का PT एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, UPPCS का जो PT एग्ज़ाम होता है, उसमें 150 प्रश्न आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं और
सेकेंड पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको आप लोग आसानी से पास कर ले जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो है आपका पीटी। और बहुत से लोगों का 2018 का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें नहीं हुआ है, तो क्या यही रीज़न है? ठीक है, जैसे मान लिया आपने 150 प्रश्न आते हैं आपके, उसमें 150 प्रश्न आते हैं, आप लोग करते क्या हैं? सबसे पहले देख लीजिए हल करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। बहुत से लोग हल करते हैं इस तरीके से कि जो पहली बार में वो तरीके मैंने भी बताए हैं, ठीक है, कुछ तरीके मैंने भी बताए हैं कि आप इलिमिनेट कर कर कीजिए और सारी चीज़ों को सही करके कीजिए और देखिए कि दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, दो ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर दिए और दो ऑप्शन के बाद में आप देखते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब उसमें 50-50% के बाद में आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा आपका झुकाव है तो उसको आप अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, जिस प्रश्न में आपको कुछ नहीं आता तो उसको आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब टेस्ट सीरीज और जो अटेम्प्ट करने का तरीका है उसका बेहतरीन, सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो तरीका क्या है दोस्तों कि जैसे बहुत से लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद देखते होंगे पेपर को फेंक देते हैं या क्वेश्चन को मिलाया, कहीं से ढूंढ लिया, एक लाइन देखी, हाँ इसमें मेरा आंसर मिल गया, हो गया काम। वो सारे कुछ बहुत से लोग हैं आंसर को मिलाते भी हैं एग्ज़ाम देने के बाद, क्वेश्चन को ढूंढते भी हैं। तो यहाँ पर बात यही है दोस्तों, जैसे 2019 का जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है वो लगभग 2000 दिसंबर या जनवरी में जाएगी। अभी आपके पास में समय है या किसी भी एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि जिनके पास पर्याप्त समय है, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, नहीं भी है टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कम से कम उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करें, उस टेस्ट सीरीज को लगाएं कैसे, इस पर सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो 150 प्रश्न आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक, आपने बहुत से लोगों ने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, बहुत से लोगों ने सिलेबस को नहीं भी कंप्लीट किया होगा, दोनों लोगों के लिए है ये, दोनों लोगों के लिए। देखिए 150 प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, मान लीजिए हम UPPCS की जो प्रारंभिक परीक्षा है तो उसकी बात कर रहे हैं, 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न में से आप टेस्ट सीरीज देने जाते हैं, किसी कोचिंग में जाते हैं, यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर रखा है आपने, टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज देने के बाद आपने मार्किंग होती है, भूल जाते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न आने के बाद आपने देखा किसी को 80 प्रश्न सही किए, किसी ने अटेम्प्ट 129 किए, 125 प्रश्न किए, उसके निगेटिव गलत होने के बाद वह मार्किंग से जो एक कट ऑफ थी उससे नीचे आ गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, समझिएगा मेरी बात। तो बात यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्न में से आपने अटेम्प्ट किए 130-135 और आपके सही हुए 100 मान लीजिए। ठीक है, 100 सही हुए, अब 100 में से आपके नेगेटिव मार्किंग आपको ला देती है 80-85 के बीच में। कैसे? जैसे मान लीजिए 100 सही हुए, 35 गलत हुए ना, ठीक है 36 मान लीजिए, तो 36 प्रश्न अगर आपके गलत हो जाते हैं तो 3 भागों में बांट दीजिए इसको। ठीक है, तो 3 भागों में बांटने के बाद आपका 1/3 मार्किंग है, किसी में 1/2 मार्किंग होती है, किसी में 1/3 होती है, तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, तो यह अलग अलग प्रक्रियाएं अलग अलग एग्ज़ाम में चलती हैं। ठीक है, 100 आपने 36, ठीक है, तो 12 प्रश्न आपके चले जाते हैं तो आप आ जाते हैं 88 प्रश्न पर। अब आपने क्या किया, गलती करी ना, अब यहीं पर सारा का सारा खेल, सारी की सारी प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है, मैं जो बताने वाला हूँ उन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात यही, निगेटिव के कारण ही सिलेक्शन नहीं हुआ या आपके प्रश्न आपने नहीं पढ़ा। जैसे मान लीजिए आपने 150 प्रश्न सामने आए, आपने टेस्ट सीरीज दी या कहीं से भी आपने बुक्स मार्केट में पड़ी हुई हैं और बहुत सारी जगहों से आपने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया। अब आपके सामने 150 प्रश्न आए, 150 प्रश्न में से दोस्तों आपने क्या करना है, आपको करना यही है कि आपको जो कन्फर्म सही है, कन्फर्म सही होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए पहले एग्ज़ाम में आपने पहली बार टेस्ट दिया, आपने पढ़ाई नहीं की है, जिसने भी पढ़ाई की
पहले बार में आपने 50 प्रश्न सही किए 150 में से। ध्यान रखिएगा 150 प्रश्न हैं और 150 प्रश्न में से आपने कन्फर्म मतलब 50 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो फिर उसमें से 49 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, आपको 50-50 में लग रहा हो कि ये है, तुक्का नहीं मारना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भूल जाइए। आपको केवल कन्फर्म डेट पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, वरना छोड़ दीजिए उसको। ध्यान रखिए, उसको छोड़ दीजिए, अभी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको। आपको कन्फर्म 150 में से मान लीजिए 50 प्रश्न आपको आते हैं, आपने पहला टेस्ट दिया, पहले टेस्ट में आपने 50 प्रश्न सही किए और 100 प्रश्न ऐसे होते हैं, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, टेस्ट ख़त्म हो जाता है, आदमी भूल जाता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन छांटे उसके बाद छोड़ देता है उन चीज़ों को। तो सारा का सारा खेल यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जो आपने 100 प्रश्न छोड़े हैं, जिनको नहीं किया है, जो प्रोसेस अपनाना है, 50 प्रश्न आपने कन्फर्म सही किए, हाँ मैं मानता हूँ मानवीय भूल के कारण है, किसी कारण 2-4 प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बात यह आती है कि जो ये 100 प्रश्न है इनके साथ में क्या करना है। अब आप सोच कर देखिए, जो भी किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं अलग अलग टॉपिक से आते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, तो ये आपके पास 100 टॉपिक मिले कि ना मिले, तो ये 100 टॉपिक जो 100 प्रश्न आपने छोड़े हैं, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो 100 प्रश्न जो आपको टॉपिक के रूप में मिले हैं, ठीक है, तो दोस्तों जो 100 टॉपिक आपको मिले हैं, 100 प्रश्न का मतलब 100 टॉपिक आपके पास आ गए, पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट आपने दिया, 50 में से आपके मान लीजिए 48 सही हुए या 47 सही हुए, अब आपके पास 100 प्रश्न आपके पास बचे हुए हैं जिनको आपने छोड़ दिया, या मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, किस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ उसको आप मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 100 प्रश्न हैं आपके पास में, 100 टॉपिक आपको मिले ना, अब आपको कार्य क्या करना है, इन 100 टॉपिक को एक दिन में आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि जलवायु परिवर्तन से एक प्रश्न आया है, तो जलवायु परिवर्तन से आसपास की चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से उस दिन पढ़ना है। 100 टॉपिक का मतलब 100 प्रश्न, 100 प्रश्न मतलब 100 टॉपिक। अब बात यहाँ आती है कि जो 100 टॉपिक हैं आपने एक दिन में तैयार कर लिए, अब दूसरी चीज आती है, दूसरा दिन आता है, आप दूसरा टेस्ट देते हैं, ठीक है। दूसरे टेस्ट में, अब पिछले वाले टेस्ट में आपने 100 टॉपिक पढ़े ना, अब 100 टॉपिक तैयार करने के बाद अब दूसरे दिन आपने टेस्ट दिया, तो क्या ये 50 ही प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? इनकी संख्या यह 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, लेकिन मैं एक एवरेज मानकर चलता हूँ कि एक टेस्ट के बाद आप 50 से 60 पर जाएंगे, ठीक है। 10 प्रश्न ही आप 100 प्रश्न में से कुछ रिपीट होंगे, कुछ आते हुए होंगे, तो आपने 100 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, और कंप्लीट करने के बाद अगला टेस्ट देने जाते हैं। अगला टेस्ट देने में आपने क्या किया, आपने 60 प्रश्न अटेम्प्ट किए, ठीक है, ध्यान रखिएगा 60 प्रश्न आपने कंफर्म अटेम्प्ट कर लिए, जो आपको लगता है बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। अब 60 प्रश्न आप 60 क्वेश्चन सही कर चुके हैं, उसके बाद आपके पास बचे कितने प्रश्न, 90 प्रश्न बचे। अब वो प्रश्न भी आपने अटेम्प्ट इसीलिए नहीं किए क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें खटक रही थी, आपको चीज़ें कन्फर्म नहीं थी, कहीं ना कहीं उस पर डाउट था, तो अब उन टॉपिक को दोबारा पढ़िए, 90 टॉपिक को, 90 प्रश्न का मतलब 90 अलग अलग टॉपिक, और उन 90 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा टेस्ट देते हैं, आपने 90 टॉपिक पढ़े, पिछले में 100 टॉपिक पढ़े, कुछ रिवीजन में भी आ जाएंगे चीज़ें कि पहला सल्तनत काल से था, दूसरा मॉडर्न इंडिया से था, तीसरा गांधी जी से था, तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रश्न चलेंगे, ठीक है, चलते रहने दीजिए, रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले टेस्ट में आपने एक टॉपिक को पढ़ लिया था और वो रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं देखना, नहीं, उसको भी देखना है, ध्यान रखिएगा, उसको भी देखना है आपको। तो कहने का मतलब यही है कि पहले टेस्ट में आपने क्या किया, 50 अटेम्प्ट किए, दूसरे टेस्ट में आपने क्या किया, 60 अटेम्प्ट किए, तीसरे टेस्ट में हो सकता है 65 ही अटेम्प्ट कर पाएँ, चौथे टेस्ट में आपने हो सकता है 70 अटेम्प्ट कर पाएँ,
या हो सकता है 75 अटेम्प्ट कर पाएँ, और जो बाकी ठीक है 70 हैं और आपके पास बचे कितने प्रश्न, 80 प्रश्न बचे। अब 80 टॉपिक आपके तीसरे दिन मिले आपको 80 टॉपिक अलग प्रश्न, क्योंकि वो आपको नहीं आते थे या कंफर्म नहीं थे इसीलिए तो आपने छोड़ा था। तो तीसरे टेस्ट या चौथे टेस्ट में जब आपको 80 प्रश्न मिलते हैं तो उनको भी पूरी ईमानदारी के साथ में आपको 80 टॉपिक को ख़त्म करना है एक दिन में। अगर आप 2019 का जो पीटी होने जा रहा है वो होगा लगभग दिसंबर और जनवरी में, जब भी होगा उसको देख लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का तरीका यही रखिए आप लोग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ ज्वाइन करिए, मेरी अभी चल भी नहीं रही है, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग 2019 का पीटी देने जा रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो इस तरीके से आप कार्यों को करिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको इस बार की जो मेरिट गई है लगभग 96 प्रश्न 97 प्रश्न गई थी, ठीक है, 96 प्रश्न या 97 प्रश्न गई थी। अब आप 60 से स्टार्ट करते हैं, जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, पुराने लोग 90 कर रहे होंगे तो वो 110 120 125 जाएंगे ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारा का सारा खेल अटेम्प्ट, जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं और कन्फर्म सही होते हैं राइट क्वेश्चंस, इनका जो अनुपात होना चाहिए वो बराबर करिए आप लोग, ठीक है। मतलब जितने आपने अटेम्प्ट किए उतने ही आपके सही भी हों। और यह प्रैक्टिस है दोस्तों, प्रैक्टिस कब सही होती है, जब आप उन चीज़ों उन टॉपिक को पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, पांचवां टेस्ट, ऐसे ही आप 15, 20, 25, 50 जितने टेस्ट दे सकें। और टेस्ट देने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारी कोचिंगें हैं, यूट्यूब चैनल है, जहाँ से भी मिले आप करिए, ठीक है। जो लोग भी इस बार 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं और 2019 का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो उन लोगों को टेस्ट सीरीज और पढ़ने का तरीका यही अपनाना चाहिए। आप सोच कर देखिए कि पहले दिन में आप 100 टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं, दूसरे टेस्ट में आप 80 टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तीसरे में आप कुछ और कम करते हैं 75 टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं, चौथे में आप क्या करते हैं 70 टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं, पाँचवें में आप 60 टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं। अब ये धीरे धीरे चीज़ें रिवीजन में भी आ जाएंगी, ठीक है, और आपके टॉपिक भी कंप्लीट होते रहे। एक दिन में अगर एक टेस्ट भी लगाते हैं आप लोग तो बेहतरीन हो जाएगा। और जो ये 100 से लेके आपको, जैसे मैंने बताया ना, आपके अनअटेम्प्टेड 100 प्रश्न थे, 50 प्रश्न आपने किए थे और ये अटेम्प्टेड और सही 50 थे, ठीक है। अब ये जो 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न को कम करते करते आप इसको जीरो पर ले आइए। और वो जीरो पर कब होंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को लगाएं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको टॉपिक मिल जाएंगे जो सबसे चुनिंदा टॉपिक हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप सोच कर देखिए कि अलग अलग जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे आप लोग तो आपका सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि पहला टेस्ट हो, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, पांचवा टेस्ट, छठवां टेस्ट, सातवां टेस्ट, आठवां टेस्ट, नौवां टेस्ट। अब पहले टेस्ट में आपने 100, दूसरे में आपने कितने अटेम्प्ट किए 90 किए, तीसरे में आपने 70 किए, 80 किए, और उसके बाद 10-10 या 5-5 प्रश्न आपके सही ही होंगे, क्योंकि आप जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको आप टॉपिक को पढ़ेंगे। और आप, हो सकता है किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 2 महीना लगेगा। और जो लोग, आप सोच कर देखिए कि जिन लोगों के 80 प्रश्न सही हैं, आज की डेट से अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं और आज की डेट से टेस्ट सीरीज को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे 80 और 70 टॉपिक आपके एक टेस्ट देने के बाद बचे, तो अगले टेस्ट में आपके क्या 85 नहीं आएंगे जब आप 70 टॉपिक पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आपके क्या होंगे, 80-85 आएंगे, फिर 90 जाएगा 2 दिन के बाद, फिर यही 100 जाएगा, फिर यही 110 जाएगा। और आप सोच कर देखिए 110-120, आप इस प्रक्रिया पीटी का एग्ज़ाम आपका, किसी भी एग्ज़ाम, जो भी नेगेटिव मार्किंग होती है जिस एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम कभी नहीं रोकने वाला, ठीक है। जो टॉपिक के अनुसार, जैसे आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, एक तरीका और है, पूरा सिलेबस पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाते हैं, ठीक है।
अब उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पढ़े हुए, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं कि जैसे मैंने बताया ना 100 जैसे 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न में से आपने 50 अटेम्प्ट किए, 100 बचे, 100 में से फिर वही का आपको कार्य 100 टॉपिक पढ़ना है, फिर वही 90 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर वही 80 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 70 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 60 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 50 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपको 40 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 30 टॉपिक पढ़ने हैं, और ये करते करते 30 से लेके 20, 20 से लेके आपको 10, 10 से लेके आपको 0, ठीक है। फिर ऐसा एक समय आएगा कि जिस समय आपको एक भी प्रश्न नहीं पढ़ने की जरूरत होगी और आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो यह तरीका है दोस्तों, जो भी जिस एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग आती है उस निगेटिव मार्किंग से निपटने का तरीका, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, और जो लोग भी 2018 में पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी 2018 का जो पीटी हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा होता, जिन व्यक्ति का नहीं हुआ हुआ है, ठीक है, मुझे लगता है यही निगेटिव कारण था जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो लोग 80-85 और इसके आसपास रहे हैं, या जो लोग जो व्यक्ति एक एक दो दो प्रश्न चार चार प्रश्न से रह गए हैं, वो कभी बॉर्डर लाइन के पास आएंगे ही नहीं, उससे बहुत ऊपर रहेंगे। अगर आपने इस प्रक्रिया, ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है, इस पूरी प्रक्रिया को अपना लिया, ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आपको 100 टॉपिक मिलते हैं या 50 टॉपिक मिलते हैं, तो उन 50 टॉपिक को टॉपिक के अनुसार पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि जो प्रश्न है प्रश्न का हमने आंसर खोज लिया और छोड़ दिया, नहीं तो फिर फायदा नहीं मिलने वाला आपको। ध्यान रखिए, एक दिन में अगर आप 100 टॉपिक के 50 टॉपिक तक कंप्लीट करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा, और जो लोग भी 2019 का और जो लोग भी दोस्तों 2019 का प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आज से ही आप लोग टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। 150 प्रश्न की टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीवियस ईयर की लगाइए, जब जहां की लगानी है तहां से लगाइए, ठीक है। किसी कोचिंग की लगाइए, जहां से मिले, यूट्यूब चैनल से मिले, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों ने स्टार्ट कर रखी हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए और ये कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। आपका पीटी का एग्जाम कभी भी नहीं रुकने वाला, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जो भी व्यक्ति इस तरीके से कर ले गया। क्योंकि गलतियां कहां होती हैं, जब व्यक्ति को लगता है हम ये चीजें मुझे आ रही हैं और कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, निगेटिव अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद गलत कराते हैं, तो वो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, वो एक हैबिट चेंज हो जाएगी। और दूसरी बात, एक आपकी हैबिट चेंज होगी, दूसरा आपके सिलेबस, जो भी सिलेबस है सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। डेली आप 50 60 70 टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं, उनको पढ़ेंगे अच्छे से, जैसे राष्ट्रपति से पूछा गया तो राष्ट्रपति से कोई प्रश्न पूछ लिया गया, आपने गलती कर दी तो उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, दूसरे प्रश्न में भी राष्ट्रपति से संबंधित आया है तो उसको भी दोबारा पढ़िए। ये भाई निर्वाचन आयोग से कोई प्रश्न पूछा गया, न्यायपालिका से प्रश्न पूछा गया, या हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से, गांधी जी से, या स्वतंत्रता आंदोलन से पूछा गया, तो इनको आप क्या है, आप एक एक टॉपिक आप डेली पढ़िए, ठीक है। एक एक टॉपिक का मतलब यही है कि जो प्रश्न आपने छोड़े हैं 50 प्रश्न या 100 प्रश्न जो भी छूटे हैं, उनको एक टॉपिक मानते हुए उन टॉपिक के आसपास का पूरा टॉपिक कंप्लीट करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और इसको जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति या जिस व्यक्ति ने इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस या इस रणनीति को अपना लिया, नो डाउट दोस्तों आपको सिलेक्शन लेने से, पीटी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, मेंस में टेस्ट सीरीज होती है, मेंस की बहुत सारी लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज देने के बाद जो प्रश्न नहीं आते उनको छोड़ देते हैं, तो यही प्रक्रिया आप मेंस की टेस्ट सीरीज में पर अपनाइए। आप किसी भी कोचिंग में टेस्ट देने जाते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करने के बाद छोड़ देते हैं, उन प्रश्नों को ढूंढिए आके, उस टॉपिक को खोजिए, और खोजने के बाद उस पूरे टॉपिक को पढ़िए, समझिए कि टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। तो मेंस की टेस्ट सीरीज में भी आपको यही करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको, जैसे आप मान लीजिए मॉडल आंसर मिल जाता है तो आपको मॉडल आंसर ही मिलेगा, लेकिन अगर आप टॉपिक को खोजना चालू कर दिए कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था, तो पूरे टॉपिक को आपने पढ़ लिया, उससे आगे पीछे साइड इधर उधर की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी प्रश्न से संबंधित। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि जलवायु परिवर्तन के कारणों को बताइए और
इसके निवारण के उपाय बताइए। तो ऐसे में क्या है, आपने जलवायु परिवर्तन अगर पूरा क्लाइमेट चेंज अगर पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन छूटेगा आपसे? नहीं छूटेगा। तो कहने का मतलब है साधन आपके पास बहुत सारे, कोचिंग के नोट्स होंगे, बुक्स होंगी, और इंटरनेट के माध्यम से गूगल है आपका, किसी के माध्यम से करिए, लेकिन यह इस प्रक्रिया को जरूर अपनाइए आप लोग, ठीक है। तो जिन लोगों का भी इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी एग्जाम में निगेटिव के कारण, वो इस प्रक्रिया को जरूर अपनाइए। और 2019 का प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है दोस्तों, उसमें इस प्रक्रिया को जरूर अपनाइए आप लोग, अभी से अपनाइए। 2-4 महीने हैं, 2-4 महीने में आप सोच कर देखिए कि अगर एक दिन में आप अगर एक टेस्ट लगाते हैं तो आपका कितना बेहतर हो जाएगा। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे, चीज़ें रिविज़न में आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कार्य करिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, नहीं तो डिसलाइक जरूर करिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने बताई है क्या आपके लिए बेहतर है, किसी भी व्यक्ति के लिए बेहतर है, किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले व्यक्ति के लिए बेहतर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग खास ख्याल रखिए, और आज से ही जिस समय जो भी व्यक्ति आज की डेट में सुन रहा है मुझे, इस प्रक्रिया को जरूर अपनाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।